हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पोएम फॉर क्लास सेवन्थ छिवी एंड दिस इज़ पोएम 4 बाय माइकल रोजन. इन दिस पोएम विल डू वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर. सो नाउ विल बिगिन विद वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वर्ड इज़ छिवी, नैग, स्कोल्ड, डांटना. ये छिवी यहाँ पे इसका मतलब है, छिवी भी कह सकते हैं इसको. नैग और स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है. स्टेयर, लुक विद ग्रेट कंसंट्रेशन. घूरना, ये देखिए घूरना कंसंट्रेशन. ड्रैग, शफल, घसीटना. जो हम पैर घसीटते हैं ना, तो हम इंग्लिश में ड्रैग वर्ड यूज़ करते हैं. इंटरप्ट, डिस्टर्ब, दखल अंदाजी करना. करना नहीं चाहिए हमें, बैड मैनर्स होता है. मेक माइंड, डिसाइड करना, निर्णय लेना. वी शुड मेक अवर माइंड वेन एवर वी आर इन डिफ़िकल्टी. वी शुड बी एबल टू डिसाइड एज पर द सिचुएशन. सो नाउ विल डू क्वेश्चन आंसर. वेन डू एडल्ट से दीज. यहाँ पे कुछ बातें हैं, ये हमें बड़े लोग जो होते हैं, ये हमें इन बातों को कब कहते हैं. डू नॉट टॉक विद माउथ फुल. जब ये वो बातें कब कहते हैं हमें बड़े लोग, कब कहते हैं कि जब तुम्हारा मुंह भरा हुआ है तो बातें मत करो. ये वो किस कंडीशन में कहेंगे. व्हेन चिल्ड्रन आर ईटिंग एंड देयर माउथ इज फुल ऑफ फूड विच लुक्स अपसर्ड. अपसर्ड, absurd, अपसर्ड मतलब भद्दा. ये बड़े लोग, माता पिता या दादा दादी तब कहते हैं जब बच्चे खाना खा रहे होते हैं और उनका मुंह खाने से भरा हुआ होता है और बहुत बुरे लगते हैं बच्चे उससे. से थैंक यू. हमें थैंक यू कब करना चाहिए. बड़े लोग कब कहते हैं कि थैंक यू कहा करो. व्हेन गिफ्ट इज़ गिवन टू चिल्ड्रन और दे आर एडमायर. जब छोटे बच्चों को कोई गिफ्ट मिलता है या कोई इनकी तारीफ़ करता है, तो तब छोटे बच्चों को थैंक यू शब्द का प्रयोग करना चाहिए. नो वन थिंक्स यू आर फनी. ये कब कहते हैं मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, बच्चों को ये कब कहते हैं. व्हेन चिल्ड्रन मेक फनी फेसेस और एक्ट अनयूजुअल और एक्ट सिली. जब बच्चे अलग अलग फेस बनाते हैं, मुँह बनाते हैं, मुंह बनाना हम हिंदी में कहते हैं, तो तब बड़े लोग कहते हैं कि इस प्रकार से मुंह मत बनाओ, तुम ज़्यादा फनी नहीं लग रहे हो, कोई तुमको देख के हंसेगा नहीं, ये मुंह बनाना बंद करो. व्हाट डज लास्ट टू लाइन्स इंडिकेट. पोएम की जो लास्ट टू लाइन्स हैं उससे, उनसे क्या पता चलता है. लास्ट टू लाइन्स इंडिकेट दैट ग्रोन अप्स आर एडवाइज्ड टू टेक देयर ओन डिसीजन. लास्ट टू लाइन्स में, पोएम की लास्ट टू लाइन्स में पोइट ने ये बात कही है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को अपने निर्णय ज़िंदगी में खुद लेने चाहिए, और वो जो निर्णय होते हैं वो निर्णय ठीक होने चाहिए. सो लास्ट टू लाइन्स इंडिकेट दैट ग्रोन अप्स आर एडवाइज्ड, advised टू टेक देयर ओन डिसीजंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why are grown-ups said these things? Grown-ups होते हैं जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनको हम grown-ups कहते हैं. हम grown-ups को या बच्चों को ये बातें क्यों कहते हैं. Grown-ups are said these things so that they behave decently at home, school and public places. बच्चों को ये बातें इसलिए कही जाती हैं ताकि जो ये बच्चे होते हैं, grown-ups होते हैं, उनको बिहेव करना आए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी भी पब्लिक प्लेस में हो. पब्लिक प्लेस का मतलब पार्क हो सकता है, थिएटर हो सकता है, मार्केट हो सकता है, ताकि बच्चों को इन जगहों पे डिसेंटली, डिसिप्लिन के साथ बिहेव करना आए. सो ग्रोन अप आर सेट दीज थिंग्स सो दैट दे बिहेव डिसेंटली एट होम, स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस. सो ये हमने बहुत ही ब्रीफ में वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर किया स्टूडेंट्स. ये जो हमारी पोयम है छिवी, छिवी और छिवी का मतलब ही होता है डांटना, क्योंकि इस पोयम में जो बड़े हैं वो बच्चों को लगातार डांट ही रहे हैं, उनके
गलत काम के वजह से, गलत हरकतों के वजह से, और मकसद ये है कि बच्चे अच्छे ढंग से बिहेव करना सीखें। धन्यवाद।